chance here. That's out. Oh, great save. Salman Akbar. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान अकबर। आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल व्यू फ्रॉम द गोल पोस्ट। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर और सेक्रेटरी यासिफ बाजवा के साथ 1-to-1 मीटिंग किया। ये मीटिंग इस मीटिंग में हमें हमारी IPC की मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर फहमीना मिर्ज़ा वो भी नज़र आई हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए। और मैं समझता हूँ एक बड़े ही एक बहुत पॉजिटिव साइन नज़र आया है बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान हॉकी में। और इमरान खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस मीटिंग के बाद जो खबरों में सुनने को मिला है कि उन्होंने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया है पूरी सपोर्ट का है कि हम करते हैं नेशनल स्पोर्ट को और हम चाहते हैं कि जो नेशनल स्पोर्ट है अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल करें, और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि, जो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक पॉइंट कहा है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आइन है उसको PCB के आइन की तरह का बनाया जाए, और जो लीग हॉकी करवाने की फेडरेशन बात कर रही थी उसको सपोर्ट उन्होंने किया। उन्होंने कहा बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट है और इसको आप बिल्कुल एग्जीक्यूट करें, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है पाकिस्तान हॉकी के लिए। और उसके बाद फिर हमारे PHF पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिगेडियर खालिद खोकर साहब, उनके साथ मीटिंग की है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब ने। तो ये जो और उन्होंने आर्मी के वेलफेयर फंड से 5 करोड़ रुपया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दो मीटिंग्स हुई हैं एक बहुत ही पॉजिटिव साइन पाकिस्तान हॉकी के लिए, और इससे ये साफ क्लियर मैसेज है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट पूरी तरह से चाहती है कि हमारा जो खोया हुआ मुकाम है वो हासिल किया जाए नेशनल स्पोर्ट में, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं, हमारी आर्मी भी, जो कि पहले भी बहुत ज़्यादा हमेशा से नेशनल स्पोर्ट को सपोर्ट करती आई है, लेकिन ये स्पेशली जो 1-to-1 मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैं समझता हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है पूरी मेरे ख्याल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। मुझे पर्सनली जब मैंने ये देखा और मुझे न्यूज़ मिली जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल रहे हैं, देन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट खालिद सज्जाद खोकर और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है इससे पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी होगी, और ये वो पहला स्टेप मेरे ख्याल में है कि कोई भी आपने जर्नी करना होता है उसके लिए आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देख के कि गवर्नमेंट ने अपना जो जेस्चर दिखाया है, और स्पेशल और फिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अपने आर्मी वेलफेयर फंड से 5 करोड़ रुपया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया। तो मुझे तो ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस बारे में कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ से बड़ी उम्मीद है मुझे इस बारे में कि यहाँ से पाकिस्तान हॉकी जो है वो अपना सक्सेस की तरफ जो जर्नी है का ये पहला स्टेप है। लेकिन यहाँ पर अब मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब ये बात नहीं कही जा सकती कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है या हमें फंड्स नहीं मिल रहे या इस तरह नहीं हो रहा या उस तरह नहीं हो रहा। तो अब जो बॉल है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कोर्ट में, अब मज़ा आएगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की परफॉर्मेंस पे बात करने का। अब देखेंगे, अब पता चलेगा कि क्या इनके आइडियाज़ हैं, ये किस तरह से इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, कैसे अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा करते हैं, क्योंकि अब तो आपके पीछे पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट है। आपको प्राइम मिनिस्टर ने 1-to-1 आपके साथ मीटिंग की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मुलाकात की है, और अब आपने दिखाना है कि आपकी वर्थ क्या है। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि आप इसको, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही प्रोफेशनली और सीरियसली इसको अवेल करेंगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान हॉकी को मिली है और ये ज़ाया नहीं होगी। और आप बिल्कुल डिसीजंस, मुझे, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बड़े बड़े मुश्किल डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल लेंगे। और वो जो पॉलिटिक्स और वो जो मोनोपोली की मैं हमेशा बात करता रहता हूँ,
उससे पाकिस्तान हॉकी की जान छूटेगी। आप अच्छी अपॉइंटमेंट्स करेंगे, आप प्रोफेशनल लोगों को सामने लेके आएंगे और जिससे पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी हो सकेगी। अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करेंगे और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उन लोगों को सामने लेके आएंगे जो निचले लेवल पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई पूछता भी नहीं है, ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगे। बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, आप उनको भी सामने लेके आएंगे और एक बड़ा एक खूबसूरत सा और बड़ा एक ऑर्गेनाइज स्पेशली अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ज़रूर ऐसा खड़ा करेंगे जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान हॉकी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकेगी। और उसके साथ साथ आप अपनी जो है पूरे ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो आइन जो वज़ीर आज़म ने भी जिसके बारे में आपको कहा है कि इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह का बनाएं, इस पर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी चेंजेस लेके आएंगे और एक बिल्कुल न्यूट्रल होके ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी होगी और हम दोबारा ट्रैक पे वापस आएंगे। इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि कुछ पर्सनल एजेंडे की वजह से या वो जो पाकिस्तान हॉकी की इंटरनल पॉलिटिक्स है ये अपॉर्चुनिटी भी उसका शिकार हो जाएगी। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और मैं बहुत ज़्यादा गुड लक विश करता हूँ आप लोगों को कि बड़ी देर के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान हॉकी को और पास्ट की सारी चीज़ें भूल के, गलतियाँ भूल के आप एक नया जर्नी स्टार्ट करेंगे और बड़े ही सिंसियरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ इस जो है और प्रोफेशनली इस अपॉर्चुनिटी को एब्सोल्युटली अवेल करेंगे। और उसके साथ साथ मैं इसको अब दूसरी तरफ भी आऊँगा इसके कि मैं पीछे देख रहा था कि हमारे जो ओलंपियन एक्स ओलंपियन फोरम है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये जिसकी आप तस्वीर आप देख रहे होंगे इस वक्त, इसके पीछे आप देखें बैनर जो लगा हुआ है कौमी खेल बचाओ तहरीक। मैंने जब ये देखा कि अल्लाह माफ करे कौमी खेल को क्या हो गया, कौमी खेल बिल्कुल ठीक है आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी पाकिस्तान के हॉकी ग्राउंड्स में बच्चे जाके हॉकी खेलते हैं, तो एक तो ये आपके स्लोगन का मुझे इतना नेगेटिव स्लोगन आपने रखा और आप फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आज की बात नहीं है, हमेशा से मैंने जब से हॉकी शुरू की है पिछले एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि पिछले 10-15 साल से जब भी कुछ होता है ये एक्स ओलंपियंस एक फोरम बना हुआ है और पता नहीं इसकी क्या हैसियत है लेकिन इसमें इतने इतने बड़े नाम आके बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। और मैंने अपने पिछली वीडियो में भी एक दिखाई थी वीडियो आपकी जो रिसेंटली हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है मंजूर जूनियर साहब वो क्या बातें कर रहे हैं, उसमें कौन कौन बैठा हुआ था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं लेकिन मैं ये लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें जो लोग बैठे हैं इतने इतने बड़े नाम और बातें क्या कर रहे हैं वंस अगेन कि जी फला टाइम पे ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, ये हुआ, करप्शन हुई है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मैं इनको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास एविडेंस हैं तो आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की तरफ जाएं, आप लीगल वे से आप केस करें उन पर, आप अपना वकील हायर करें, आप जाएँ हेयरिंग्स अपनी अटेंड करें और फिर वहाँ पे प्रूफ करें जाके लीगली, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनको सुन के मुझे तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि पाकिस्तान हॉकी के बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं और इतने बड़े बड़े प्लेयर कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आप मेरे ख्याल में इनको जब ये खेलते थे इनको बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में आप PIA कस्टम अलाइड बैंक नेशनल बैंक नेम इट पाकिस्तान पुलिस इतने इतने बड़े इनको जॉब्स मिली हैं, रिटायर हुए अपनी जॉब से बड़े बड़े अच्छे स्केल पे और माशाल्लाह आज इनका सोसाइटी में एक बहुत बड़ा नाम है, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और बड़ी अच्छी और बड़ी लेविश किस्म की ये लाइफ गुजार रहे हैं आजकल। तो मेरे ख्याल में अब इनके पास और कोई काम नहीं है तो शायद इसलिए ये कहते हैं कि चलें हमें हमारे पास ओहदा तो कोई है नहीं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पाकिस्तान के हॉकी के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान हॉकी को ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये मेरे ख्याल में आपको ये भी आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा बच्चा
ईजीली आपकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जो वीडियोज़ आती हैं या खबरें जो लगती हैं वो पढ़ता है, वो देखता है। आपने कभी ये सोचा कि वो आपका जो ग्राउंड पर लड़का हॉकी खेल रहा है, जिसका ख्वाब है कि मैं एक दिन पाकिस्तान को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा, वो जब ये सारी बातें सुनता होगा वो क्या सोचता होगा कि मेरे बड़े क्या बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी ऐसे चलती है। आप अगर आप ऑपोजिशन, आपने ऑपोजिशन बनानी भी है या बनाई भी है, जो भी आपने आपने अगर अपनी पावर शो करनी है, अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, आप ग्राउंड्स पे जाएं खुदा रहा, आप वहाँ पे बच्चों को फैसिलिटेट करें, ट्रेनिंग करवाएं उनको, उनकी बेसिक्स ठीक करवाएं, ताकि एट द एंड पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो। मैं आपको बताऊं, इन सब में से ये जितने भी मैं ये ओलंपिक फोरम जो है इन सब में से सब ने कोई कभी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन रह चुका हुआ है, कोई मेंबर रह चुका हुआ है, नेशनल टीम का या जूनियर टीम का कोच रह चुका हुआ है, या मैनेजर रह चुका हुआ है, कोई आपके डोमेस्टिक जो है डेवलपमेंट का उसमें काम कर चुके हुए हैं, तो हर कोई सेक्रेटरी इवन बन चुका हुआ है, तो आप सब ने, इनमें से सब ने अपनी अपनी बारी ले ली हुई और सबने देख लिया हुआ कि इन्होंने क्या हाल किया पाकिस्तान हॉकी का। और आई डोंट नो, और आपको कोई रास्ता नहीं नज़र है और आप इस तरह की बातें बैठ के पाकिस्तान हॉकी के बारे में करते हैं, तो और आप अपील कर रहे हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर से कि इन मामलों को देखा जाए और पाकिस्तान हॉकी को बचाया जाए, तो मैं आपकी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर निकालना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में आपकी अपील जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने सुन ली है। 1-to-1 सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और सेक्रेटरी को बुलाया उन्होंने और उनके साथ मुलाकात की और उनके मसाइल सुने, और फिर आर्मी चीफ हमारे कमर बाजवा साहब ने हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बुलाया और अपने आर्मी वेलफेयर फंड से 5 करोड़ रुपया दिए इनको। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव मुझे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नज़र आई है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने आपकी अपील सुन ली है, तो आपको खुश होना चाहिए इस बात पर। और दूसरा ये कि इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ये जो ओलंपियन फोरम जो इन्होंने बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता जिसकी पता नहीं क्या हैसियत है, और जो इसका हिस्सा होते थे, लेकिन जब उनको ओहदा मिला और वो आपको छोड़ के चले गए, आप कहते हैं हमें ओहदों की ज़रूरत नहीं है और हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप, वंस अगेन मैं कहूँगा, अगर आपने बेहतरी करनी है आप ग्राउंड से बात करें, आप अपने अपने शहरों में जाएं, आपके इतने इतने बड़े नाम हैं, स्पॉन्सर्स इकट्ठे करें अपने क्लब में, उस स्पॉन्सर से बच्चों को फैसिलिटेट करें, उनको इक्विपमेंट दें, टूर्नामेंट्स करवाएं अपने क्लब्स के, और प्लेयर्स को जो है एक कॉम्पिटिशन फराहम करें, बजाय इसके कि आप इस तरह की बातें करें आके, वो आप लोग काम करते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद बड़ा शौक है कि आप बस कैमरे लगें और आप न्यूज़ में आते रहें कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल, और आप में से ही बहुत सारे नाम हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो आजकल हमारे जो हैं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मंजूर जूनियर साहब, ये आपके इस ओलंपिक फोरम के प्रेजेंट थे आई थिंक, और हमारे जो नेशनल टीम के कोच हैं आजकल ख्वाजा जुनेद साहब, ये भी इस फोरम का हिस्सा थे, और क्या क्या बातें इन दोनों ने की हुई हैं और सबको पता है ये, और इनको जब ओहदे मिले, और ये सिर्फ दोनों ही मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे हैं बड़े, मेरे बड़े हैं, आप सबका नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता, और इनका भी नाम मैं फॉर एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि जब हमारे ये मंजूर जूनियर साहब जो हैं, ये इनके पास कोई ओहदा नहीं था और ये फेडरेशन के बारे में क्या बात करते थे, आइए सुनते हैं। मैं कभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, स्पेशली ये जो तीन बंदे हैं आसफ बाजवा, राणा मुजाहिद और शहबाज, इन तीनों का मैं कोई हिस्सेदार नहीं बना। आप ये एलिगेशन मेरे पे नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं जब इनके तौर तरीके देखे, इनका बिल्कुल तवज्जो जो हॉकी की तरफ नहीं है, ये सिर्फ इनका अपना काम था, जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, करप्शन करप्शन करप्शन, तीनों ने इसी काम की तरफ पूरा पूरा ध्यान दिया है। ठीक है, खोखर साहब उनको प्रमोट कर रहे हैं इस बात पे। मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी की जो सबसे बड़ा तबाही का मरकज है ना, वो सज्जाद खोकर, मैं बलंटी कह रहा हूँ, इनकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी जो है वो कब्रिस्तान में चली गई है। तो फिर ये इनको चाहिए कि इमीडिएट रिजाइन करें, अगर ये इसी तरह बैठे रहेंगे, तनख्वाही लेते रहेंगे, करप्शन करते रहेंगे, तो बाप खुदा हाफिज पर हो जाएगा। तो अगर फिर आप इस तरह करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि किसी ऐसे बंदे को दे दी जाए जो बिल्कुल अंधा हो और गूंगा हो। अब यह वीडियो आपने सुनी है, अब जब आसिफ बाजवा अपने सेकंड टेन्योर में सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बने हैं,
तो जब उनके आने के बाद इन्हीं मंजूर जूनियर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, आइए मैं अब आपको वो सुनाता हूँ। जी, मैं आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिस में काफ़ी देर के बाद आया हूँ और आसफ बाजवा को मैं उनका जो मनसब है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसकी मुबारकबाद देने के लिए आया था। और क्योंकि बाजवा के साथ मैंने पहले भी काम किया है 2010 में, और बाजवा के अंदर जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे मैं अपनी समझता हूँ कि ये मेरे पेज पे चलने वाली हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग टीम है ना, मैं उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो तो आप सब लोगों के सामने है वो कैसी है। ये तो एक मैं कहूँगा कि लक होगी अगर ये क्लिक कर जाएँ और पार्टिसिपेट कर जाएँ ओलंपिक गेम के लिए, जो कि मैं उसके ऊपर मैं को मेरा कोई ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं कि जिनके वो कुछ जगह पे जाएंगे। वो जो मेरा ओलंपिक फोरम है मैं उस पर अभी भी स्टैंड करता हूँ। अब ये दो स्टेटमेंट्स मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आती कि आप अगर आप लोगों ने एक चीज़ पे स्टांस लिया तो फिर पूरा ले, ये क्या बात हुई कि आप में से ही लोग जो हैं अगर ओहदा मिल जाता है तो फिर, और मेरे ख्याल में शायद यही आपका माइंडसेट है कि कहते तो हैं अब हमें ओहदा कोई नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों का मेरे ख्याल में माइंडसेट यही है कि हम किसी ना किसी तरह फेडरेशन का हिस्सा बने और वो पर्क्स इंजॉय करें और हमारे पास भी कोई पावर हो। और आप अपने अपने शहरों में जाके देखें, और आप मुझे सॉरी टू से आप में से बहुत सारे लोग जो आप लोगों ने पॉलिटिक्स का एक बाजार गर्म करके रखा हुआ है और ऐसे ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं वो कि एक क्लब का लड़का है अगर कोई टूर्नामेंट होता है वो टूर्नामेंट नहीं खेलने जा सकता, उसको आप लोग इजाज़त नहीं देते जस्ट बिकॉज कि वो टूर्नामेंट आपके बकौल जो आपकी जो पॉलिटिक्स है कि वो एंटी ग्रुप के जो हैं वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो आप तो बच्चों को खुद हॉकी खेलने से रोकते हैं। इतने इतने बड़े नाम कराची में हाल देख लें आप, क्या कुछ नहीं होता वहाँ पे भी कि लड़कों को ट्रायल्स पे जाने की इजाज़त तक नहीं दी गई, तो इस तरह की तो इस ये तो आप लोग हॉकी के लिए काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको ठीक करें, वंस अगेन ग्राउंड्स पे जाएं, खुदारा ये चीज़ बंद करें और इस चीज़ का ख्याल करें, एहसास करें कि आप अपने जूनियर्स को जो जो बच्चा ग्राउंड पे हॉकी खेल रहा है वो भले आपका ही क्लब का हो, आप उसको क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं इस उम्मीद और इस मैसेज के साथ ये वीडियो बंद करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएगी और अच्छे डिसीजंस लेगी। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये ओवरनाइट काम होने वाला नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये ज़रूर नज़र आएगा कि आप इसके लिए पूरी एफर्ट कर रहे हैं और बड़ा सिंसियरली ऑनेस्टली और प्रोफेशनली इस अपॉर्चुनिटी को पूरी अच्छी तरह से अवेल करेंगे ताकि पाकिस्तान हॉकी दोबारा ट्रैक पे आ सके और हम फिर अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके। और मैं पर्सनली आपको बहुत ज़्यादा गुड लक विश करता हूँ और अब वही बात मैं दोबारा कहूँगा कि अब मज़ा आएगा देखने का कि आप तो कैसे परफॉर्म करते हैं पावर में होते हुए एज अ प्रेसिडेंट और एज अ सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। और उसके साथ साथ मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब का और हमारी आईपीसी की मिनिस्टर डॉक्टर फहमीना मिर्ज़ा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसा जैसे दिखाया और आपने बताया कि नहीं, हम भी जो हैं अपनी नेशनल स्पोर्ट को बिल्कुल देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल हो, क्योंकि इस खेल ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है और जिस तरह की सपोर्ट आपने दिखाई है वो भले हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों या आईपीसी की मिनिस्टर हों, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, आप इस दफ़ा एब्सोल्युटली हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस दी जा रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, आया ठीक भी है या नहीं, और इस पर बिल्कुल नज़र रखी जाएगी, क्योंकि अगर इस तरह का काम नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल में खुदा ना खास्ता फिर ऐसा ना हो जाए जो पास्ट में होता रहा कि ये अपॉर्चुनिटी भी ज़ाया हो जाए। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने नेशनल स्पोर्ट को भी टाइम दिया और उसके बारे में भी सोचा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।